नमस्कार बच्चों, आज अंतिम चैप्टर में सहसंबंध के बाद आता है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बाद है अंतिम पाठ आंकिक भिन्न। बच्चों इसमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं अपन, और ज्यादातर फार्मूला आते हैं कि इसके फार्मूले का सही विकल्प क्या है। मैच दे कॉलम में क्वेश्चन आते हैं इसके या खाली स्थान में आते हैं, ज्यादातर मैच दे कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ प्रारंभिक प्रश्नावलियों के क्वेश्चन है जिसमें कि हम संख्याओं को जोड़ना कहते हैं, घटाना कहते हैं, उस तरीके के मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। देखेंगे आप जरूर इसको, इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। मेरे पास एक तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, मैं स्टार्टिंग कराता हूँ अंकिक भिन्न के, जोड़ना घटाना। अब स्टार्टिंग में जैसे दशमलव 3, 6, 8, 9, 10 की घात 3 लिखा हुआ है, इस वाले भाग को अपूर्णांश कहते हैं, मेंटिसा कहलाता है। इस वाले भाग को हम अपूर्णांश कहते हैं और इस वाले भाग को हम घातांक कहते हैं, है ना, इसको कि अपन एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, और इसको कहते हैं मेंटिसा। जैसे उदाहरण है 1.23456 गुणा 10 की घात 2, ये वाला भाग अपूर्णांक और ये वाला घात मेंटिसा कहलाएगा। यदि मैंने इसको इस तरीके से लिखा, दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहलाएगा 10 की घात 3 कहलाएगा। और ये संख्या आती कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। 1.23456 10 की घात 2 में, यहाँ पे 10 का भाग देंगे और यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे। जब यहाँ पे 10 का भाग देंगे तो ये बदल के हो जाएगा 0.123456, और यहाँ पर ये पार्ट जो हो जाएगा वो 10 की घात 3 लिखा जाएगा। ये इसका यूज होता है बच्चों, इसका यूज होता है, इस प्रक्रिया को हम जरूर आपको समझाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लें, 0.0033 गुणा 10 की घात -12 लिखा है। ये यूज होते हैं बच्चे, जब हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इन चीजों का यहाँ पे उपयोग होता है, इसलिए मैं इस आपको बता रहा हूँ। अब इसमें 0.00 कितना लिखा है, 33 लिखा हुआ है। इस वाले पार्ट को जो करने का इनका तरीका है, इनटू यहाँ पे इनटू कितना किया, इस वाले भाग में 100 का गुणा किया और इस वाले भाग में 100 का भाग दिया। जब इस वाले भाग में 100 का गुणा करेंगे तो 0.33 लिखा जाएगा, और जब इस वाले भाग में 100 का भाग देंगे तो ये 10 की पावर -14 लिखा जाएगा। ये क्रम का यूज होता है, थोड़ा आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इन क्रमों का यूज होता है, सवालों का यूज होता है जब हम सवालों को जोड़ेंगे या गुणन प्रक्रिया करेंगे। अब जैसे मैंने फिर एक दोबारा एग्जांपल लिया, 0.36899 10 की घात 3 है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 3, 6, 8, 9 और ई, और इसको लिखा जाता है 0, 3। ध्यान देना बच्चों,
और बहुत जगह इसको इस तरीके कॉलम में प्रदर्शित किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, +3 6 8 9, फिर +0 3, इस तरीके से लिखा जाता है। ये आगे धन चिन्ह है तो ये धन का निशान, और इसके आगे धन पावर है तो इसलिए यहाँ पर इसकी जगह धन पावर की जगह प्लस, और ये फिर 0 3 है तो यहाँ पर ये 0 3। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, 0.1863 और 10 की पावर -2, तो 0.1863 और ई डैश कितना लिखा, 0.2, ई -0.2, क्योंकि 10 के ऊपर घात कितनी है, माइनस, और 10 के ऊपर घात यदि माइनस होती है तो इसको ई डैश 0.2 रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये वाली संख्या धनात्मक है तो धन 1 8 6 3 फिर -0 और 2, और इसको इस तरीके से हम ऐसे ब्लॉक में लिखा जाता है। किताबों में आप देखेंगे तो ऐसे ये खानों में लिखा हुआ दिखाई देता है, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जोड़ना और घटाने का क्या नियम है इसको मैं आपको समझाता हूँ, जोड़ना या घटाने का कैसे नियम है, कैसे परिवर्तित करते हैं। जोड़ने में बच्चों एक चीज ध्यान देना, जोड़ने में क्या होता है कि जैसे एक प्रश्न है कि 0.6321 E08 और 0.5736 E08, है ना, इनको हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते समय विशेष सावधानी बरतने की बात ये, जैसे जोड़ने का नियम है वैसे ही बच्चों घटाने का भी नियम है। तो जोड़ने के नियम में ये जो संख्या है जो मैं रिमार्क लगा रहा हूँ, और ये जो संख्या है तो इसकी जो परिस्थितियां हैं, दशमलव के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका और इसका, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म एक समान होना चाहिए। अब देखें इसको हम जोड़ते हैं, ये तो पावर 8 लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 1 कितना होगा, 7, 3 और 2 कितना होगा, 5, 7 और 3 10, 6 और 5 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 2 और ये 1 पॉइंट, ये मेरा उत्तर आता है इस तरीके से इसको जोड़ने के बाद, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जोड़ने पर हमारा जो उत्तर का रूप है, उत्तर का जो स्टैंडर्ड आंसर होता है उस स्टैंडर्ड आंसर में इसको कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ ध्यान रखते हैं कि जैसे यहाँ पे 0.8 दिया है तो वहां पर भी 0.8 ही दिया होना चाहिए, दोनों पावर यहाँ पे सेम होगी तभी इसको जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। जोड़ने के बाद 1.2057E08 आता है, पर जो उत्तर का स्टैंडर्ड फॉर्म है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम बदलेंगे, तो बदलने का मैंने आपको नियम बताया था, 1.2057 को 10 से भाग दोगे और यहाँ पे जो पावर है 0.8, है ना, पावर में यहाँ पर एक यहाँ पे पावर में ऐड करेंगे, है ना, ये पावर में यहाँ पे हम ऐड करेंगे। वस्तु स्थिति में बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 1.2057 10 की पावर 8 लिखा जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे अपॉन 10 करेंगे तो यहाँ पे इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे, और 10 करने के बाद ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है वह 0.12057 और ये वाला पार्ट है 10 पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर वापस हमारा जो उत्तर का रूप है इस तरीके से लिखा जाएगा 0.12057E09, इस तरीके से इसका फाइनल आंसर लिखा जाता है। अब ये ऐसा क्यों किया, इसकी वजह बताते हैं कि जो मेरा प्रश्न का रूप था, दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे 1.2 आ गया था, 1.2, इसलिए 1.2 को दशमलव के बाद की संख्या में बदलने के लिए ये जो मेंटिसा है अपना, मेंटिसा मतलब जो अपूर्णांश है उसमें 10 का भाग दिया और घात में भी 10 का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो घात 10 की घात 9 हो जाएगी और जो अपूर्णांश है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.12057 में बदल जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन है
0.2642 और पावर है घात है इसकी 0.5, दूसरा 0.3781 और घात है इसका 0.5। अब इसमें घात देखोगे बच्चों कि दोनों घात दोनों का बिल्कुल एक समान है, केवल जोड़ने भर का काम है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 और 4 12, 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 14, 3 दो 5 और 1 6, 0.6423, 0.6243 और इसकी जो पावर है, पावर जो कहते हैं ई, ये 0.5, ये भी 0.5, तो इसको कितना लिख दोगे यहाँ पे 0.5 लिख दोगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से इन्होंने इसको किया हुआ है 0.5 है ना, तो इसमें नहीं, इसमें आप धोखे दे दोबारा, 2 और 1 कितना 3 हो गया, 8 और 4 12 12, 6 दूनी 12 13 13 14 की 4 हासिल का 1, 3 दो 5 और 1 6, 6 4 कितना हो जाएगा 2 3 और कितना होगा 0.5। एक और प्रश्न लेते हैं, 0.65731 ई 0.5 और 0.58918 और ई कितना लिखा 0.5। ई 0.5 ये लिखा, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 9 और 7 16, 1 8 और 5 13 और 1 14, 6 और 5 11 और 1 12, तो ये ऐसा 1.2 आएगा। पर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से बच्चों आपको फिर मैं बताता हूँ, इसमें यहाँ पे 10 का भाग दोगे और यहाँ पे 10 का गुणा करोगे। इसमें जब 10 का भाग दोगे अपॉन 10 करोगे, अपॉन 10 करोगे इस तरीके से 1.24649 अपॉन 10, तो जो E05 पावर में यहाँ पर एक पावर ऐड हो जाएगी, पावर 10 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ये 10 को डिवाइड किया इस 01 का 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, इसको यहाँ पे हम ऐसा 1 रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे ही करोगे तो ये 0.124649 और ई कितना हो जाएगा 0.6। ये बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, मैं पुनः बताता हूँ, आप कंफ्यूजन मत पालिएगा, 1.24649 ई 0.5 लिखा है, 1.24649 अपॉन 10, ये e जो पावर 0.5 है इंटू 10 होता है, 10 का मतलब 10 और 5 15 नहीं करते हैं इसमें, e 0.5 का मतलब होता है 10 पावर 5 इंटू 10 करते हैं तो 10 पावर 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.124649 और ये दोनों पावर जोड़ कर कर e 10 पावर 6 ऐसे लिखा जाती है, तो इसको 0.124649 और ई 0.6 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब 10 की घात कहलाता है, इसको ऐसा ना लिख के ई कितना लिखा जाएगा 0.6 लिखा जाएगा। ये प्रारंभिक बेस के क्वेश्चंस कहलाते हैं, ये आपको बनना चाहिए, इनको याद रखिएगा। अब जैसे घटाने का हम बताते हैं कि घटाया कैसे जाता है, संख्याओं को घटाने के तरीके में ध्यान दीजिए, एक या दो नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, 6243 ई कितना लिखा 0.4, 0.5732 ई कितना लिखा 0.5, इनको घटाना है बच्चों। अब इसकी जो हायर पावर है, इसकी हायर पावर 0.5 है और यहाँ पर 0.4 है, तो ये घट नहीं सकता जब तक इनकी जो घातांक है, घातांक को एक समान करना है, तो घातांक को एक समान करने के लिए यहाँ पर पहले आप इसको पावर 5 करना है, पावर घात 5 करना है, तो इसको 10 से भाग दोगे, 0.06243, 0.06243 और ई 0.5 पद में बदल जाएगा और नीचे 0.5732 ई 0.5 बदल जाएगा। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, 4 में से 2 गया,
चार में से जो टू पावर जाएगी यहाँ पे, चार तीन के तीन बचेगा, चार में से दो गया, कितना बचा? दो बचा, बारह में से तीन गया, एक कैरी लेंगे यहाँ पे, बारह में से तीन गया है ना। तो ये इसको ऊपर नीचे करना बच्चों, यहाँ पे ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, इसको पलट देंगे, गलती हो गई, लिखेंगे 0.5732 और E05 और 0.06243 E05, जीरो कर दोगे यहाँ पे, E कितना हो गया 05 और 10-3 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 11 बच्चा, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 5 का 5 रहेगा पॉइंट, ये हमारा सामान्य उत्तर कहलाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, पहले जो क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे, क्वेश्चन इस तरीके से था यहाँ पे, इसमें 0 पावर 4 थी यहाँ पे और यहाँ पे 0 पावर 5 थी। पहली पोजीशन में हमने दोनों का पावर एक समान कर दिया, फिर देखेंगे कि 0.06243 और 0.5732 में ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो इसको पहले लिखा मैंने और इसको हमने बाद में लिखा अगले प्रश्न पे, इसके बाद इसको घटाया मैंने, तो इसका हमारा सामान्य उत्तर ये आता है। तो ध्यान देना बच्चों, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पावर 5 होगी वही पर उत्तर में भी वही फॉर्म आता है, और जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर आता है उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन के क्वेश्चन होता है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन के आंसर को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घटाने का, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, 0.6531 72 E05 -0.58918 5 E05। इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चों, अब आप देखोगे ये जो E05 दोनों की घातें एक समान है, ये 0.6 से शुरुआत है और यहाँ पे 0.5 से शुरुआत है, अर्थात ये बड़ी संख्या है और ये संख्या छोटी है। E कितना होगा 0.5, इसको बराबर आप घटाओगे तो आएगा उत्तर 0.63987, बिल्कुल उत्तर आ जाएगा घटाने पर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जोड़ने पर आते हैं, घटाने पर उत्तर आते हैं कि कैसे जोड़ा जाए कैसे घटाया जाए। एक और हम उपयोगी प्रश्न लेते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, 0.4657 E-12, 10^-12 दिखा रहा है यहाँ पर E-12 और 0.4624 E-12 भी 10^-12 बता रहा है, और इसको घटाना है बच्चों, इसको मेरे को घटाना है, माइनस चिन्ह लगाया। तो अब घटाने पर देखोगे 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0 दशमलव और E-12। अब इस उत्तर को मैं आपको समझाता हूँ, उत्तर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलना है। आप देखेंगे कि ये 0.4657 और 0.4624 दोनों दशमलव के बाद बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, और उत्तर जो है 0.0033 इस तरीके से उत्तर आ जाता है, -12 है। अब इस उत्तर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, मैं दोबारा लिखता हूँ, इस उत्तर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है 0.0033 और E-12 अर्थात 0.0033 और 10^-12। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए बच्चों 0.0033 मैंने यहाँ पे 100 का गुणा किया, तो 10^-12 में नीचे के भी 100 का गुणा, यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, मतलब याद करने का तरीका है। यहाँ पे हमने गुणा किया तो यहाँ पे क्या किया, मैंने भाग दिया, तो ये हो जाएगा 0.33 हो जाएगा, और ये 10^2 और जब भाग के ऊपर जाएगा 10^-14 हो जाएगा, तो उत्तर क्या लिखा जाता है 33E-14, ये इसका फाइनल आंसर होगा। मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन का उत्तर ये था, मेरा प्रारूप में ये बिल्कुल सामने में दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर इस तरीके से आया था,
और फाइनल आंसर इसका इस तरीके से निकल के आएगा। आप देखें इसको, मिलाएं इसको, पॉइंट 33E14 किसका आएगा, इसका आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। एक और प्रश्न लेते हैं, गुणाफल का बताते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है, इसमें गुणन के क्या नियम है। गुणन के नियम देखिएगा बच्चों, पॉइंट 2314E05 का मल्टीप्लायर पॉइंट 3061E01 इसका गुणा करना है। तो गुणा में आप देखेंगे ये 05 पावर और ये 01 पावर, तो ये जो घात है, घात को आप यहाँ पे एडिशन करोगे, यहाँ पे 05 01, तो घात क्या हो जाएगी, 06 घात हो जाएगी। और ये गुणनफल 0.2314.3061 इसका अलग गुणा करोगे तो गुणा होके ये उत्तर निकल के आएगा 0.07083154। ये गुणा हो के आएगा बेटा, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 0.07083154E06 इस तरीके से ये उत्तर लिखा जाएगा, इस तरीके से उत्तर लिखा जाएगा यहाँ पे। ये पर 0.07 है यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब इस मेंटीसा में 0.07831154 में हम 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जो घात है, ये जो घात है इसमें एक घात घटा देंगे, 01 का घटा देंगे यहाँ पे, 0.78314E05 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, 0.07831154 10^10 ये इस तरीके से लिखा हुआ है 06। दशमलव का आंकड़ा इसके पास में लाने के लिए 0.07831154 × 10 किया, तो ये 10^6/10 करेंगे, 10 का गुणा किया, 10 का भाग दिया, जैसे 10 का गुणा करेंगे 0.78315154, और जैसे ये भाग देंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 5। उत्तर का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 7831154E कितना लिखा जाएगा, 05। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आपको दिखाएगा। अगला गुणन पुनः लेते हैं, अगले गुणन प्रक्रिया को हम लेते हैं आपके सामने। गुणन है 0.5125E02 का गुणा करना है 0.4021E-1। तो पुनः आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है 0.5125 10^2 × 0.4021 10^-1। इस तरीके का गुणन है। इस वाले पार्ट को देखोगे कि जो घात है ये 2 और प्लस माइनस 1, तो टोटल कितना होगा, 1 घात होगा। और जब इस वाले पार्ट को जो गोला लगा रहा है उसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.206076025। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दशमलव के बाद पहली संख्या से स्टार्ट है इसका। तो जो उत्तर हम फाइनल उत्तर लेके आएंगे 0.206076025 और 10^1 लिखा जाएगा, और इसको आपके आंकिक भिन्न के रूप में लिखने पर 0.206076025E कितना लिखा जाएगा,
0-1 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आप निवेदन है कि आप देखिएगा इनको कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद भाग का जो नियम है, भागफल की क्रियाओं को कैसे करते हैं हम देखते हैं। इसके बाद भाग विक्रिया के नियम कैसे होते हैं देखें। पॉइंट 4396 E05 डिवाइडेड बाय पॉइंट 3512 E02। जब इसको हम भाग देते हैं तो वही घात फल है। जैसे 10 पावर m अपॉन 10 पावर n का घात होता है 10 पावर m माइनस n, घातें घट जाती हैं। तो 05 में 02 पावर घटाओगे, 05 में 02 पावर घटाओगे और चूंकि तो जो प्रक्रिया है वो अपने आप 03 लिखा जाएगा। और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है, 0.4396 E05 डिवाइडेड बाय 0.3512 E, ये माइनस 02 लिखा है, ये ध्यान रखना, पहले नहीं लिख पाया था इसको। जब आप इसको इस तरीके से करोगे तो आप घात की बात करते हैं, यहाँ पे जो अपूर्णांश कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, ये 05 10 पावर 05 अपॉन 10 पावर 0 माइनस 2, ये जुड़ जाएगा घात, तो 10 पावर कितना होगा 07। बाकी 0.4396 ये मेंटीसा है, इसको जब 0.3512 इसको जब हम भाग देंगे तो भागफल का उत्तर आएगा 0.12517 है ना, ये आएगा उत्तर। डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके आएगा 1.2517 और ये E जो है, ये जो घात है 07 लिखा जाएगा बच्चों, इस तरीके से 0.1.2517 E07 लिखा जाएगा। अब इसको वापस दशमलव को इस तरफ लेके आओगे तो अपन यहाँ पे 10 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 का भाग देंगे 0.12517, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ भाग देंगे और यहाँ पे घात जुड़ जाएगी, तो जीरो कितना होगा ये आंसर कहलाएगा 0.12517। 0.12517 E कितना होगा 08। 0.12517 और E कितना होगा 08। इस तरीके से सॉल्यूशन सॉल्व होगा। इसके अगले भागफल को देखते हैं, 0.6712 E10 डिवाइडेड बाय 0.2643 E04। फिर जब घात की बात करते हैं तो घात यहाँ पर 10 E पावर 10 मतलब 10 पावर 10 और E04 10 पावर 04, तो ये 10 पावर 0 कितना हो जाएगा 6, 10 पावर कितना हो जाएगा 06 और इसको भाग देंगे 0.6712 अपॉन
2643, जब इसको भाग देंगे तो भाग होके निकल के आएगा 2.5395, बच्चों ध्यान देना, इसको डिवीजन करोगे तो आएगा, मैं यहाँ पे लिखा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2.5395। और ये जो पावर है, ये पावर ई लिखा जाएगा 06, E06। पर मैं आपको फिर बताता हूँ, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात जो दशमलव इस तरफ लेके आएंगे, इसमें आप 10 का डिवीजन करोगे 0.25395, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, घात में मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवीजन होगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आएगा। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आएगा। मैं एक और भागफल का क्वेश्चन कराता हूँ, टेक्स्ट बुक से कराता हूँ। एक बस लास्ट क्वेश्चन है, तुम बैठ बैठ जाओगे, हो गया। क्वेश्चन ऐसा बेटा, 0.4267 P13 डिवाइडेड बाय 0.2437 E-04। आप देखेंगे पावर में 10 की घात 13 बटे 10 की घात -04, ये 10 की घात 13 प्लस 4, 13 और 4 17 हो जाएगा, और 0.4267 अपॉन 0.2437, इसको जब अपन डिवाइड करेंगे इस तरीके से 0.4267 डिवाइड बाय 0.2437, डिवाइड होके आएगा 1.7592। तो ये है बेटा उत्तर आएगा 1.7592, और ई ये जो पावर है ये 17 लिखी जाएगी यहाँ पे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसमें 10 का गुणन भाग दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे 10 का 10 पावर 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0.175092, और ई ये पावर ऐड हो जाएगी तो कितना लिखा जाएगा 18। तो इस तरीके से ये आंसर्स आएंगे बच्चों। मेरी कल भी क्लास है, कल मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को लूंगा, जो ऑब्जेक्टिव्स ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लूंगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर के केवल ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे, है ना, बनने लगेंगे आपको धीरे धीरे, और आप इनको बिल्कुल आसानी से करने लगोगे, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। बच्चों 12th क्लास में आज इतना ही, कल पुनः मैं अपनी इसी टॉपिक में आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। मेरी अभी